अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा जैनब। आज मैं आपको पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के बारे में बताऊंगी। मगर उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। वो निशानी हैदर का एजाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र और पाक फजाइया के पहले ऑफिसर हैं। राशिद मिन्हास ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। मिन्हास राजपूत घूत घराने के चश्मो चराग थे। उनके खानदान के मुतअद्दिद अफराद पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज में आला ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने भी अपना आइडियल फौजी जिंदगी को बना लिया और अपने मामू विंग कमांडर सईद से जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर फजाइया का इंतखाब किया। तरबियत के लिए पहले कोहाट और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रसालपुर भेजे गए। 1971 में राशिद मिन्हास ने एकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से ग्रेजुएट किया और उन्हें कराची में PAF बेस मसरूर पर पोस्ट किया गया ताकि लड़ाका पायलट की तरबियत हासिल कर सकें। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास की तीसरी तनहा परवास थी। वो ट्रेनर जेट T-33 त्यारे में सवार हुए ही थे कि इनके इंस्ट्रक्टर सेफ्टी फ्लाइट ऑफिसर मतियुर रहमान खतरे का सिग्नल देकर कॉकपिट में दाखिल हो गया और त्यारे का रुख भारत की सरहद की तरफ मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने माड़ीमूर कंट्रोल टावर से रब्ता कायम किया तो उन्हें हिदायत दी गई कि त्यारे को हर कीमत पर अगवा होने से बचाया जाए। इसी अस्ना में बंगाली पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने राशिद मिन्हास को सर पर जर्ब लगाकर बेहोश कर दिया और प्रवास का कंट्रोल दोबारा से संभालते हुए हिंदुस्तान की जानब मोड़ दिया। जब हिंदुस्तान का फासला 40 मील रह गया था, राशिद मिन्हास को होश आया और उन्होंने त्यारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। अगले 5 मिनट राशिद मिन्हास और गद्दार इंस्ट्रक्टर के दरमियान कंट्रोल हासिल करने की कशमकश में गुजरे। मतियुर रहमान ने राशिद मिन्हास से त्यारे का कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश की लेकिन राशिद मिन्हास ने इसको नाकाम बना दिया। मतियुर रहमान की तजर्बाकारी की बिना पर जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया कि त्यारे को किसी महफूज जगह पर लैंड कराना मुमकिन नहीं तो उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर जहाज का रुख हिंदुस्तान से महज 32 मील की दूरी पर जमीन की तरफ मोड़ दिया और तयारा जमीन से टकरा कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में राशिद मिन्हास और मतियुर रहमान दोनों ही वफात पा गए लेकिन एक ने काबिले रश्क मौत यानी शहादत का दर्जा पाया और तारीख में अपना नाम अमर कर लिया, जबकि दूसरा गद्दार कहलाया। राशिद मिन्हास को 21 अगस्त 1971 को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। नौजवान पायलट का पूरा खानदान और पाक फजाइया के दीगर मुसल्ला अफवाज के अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। राशिद मिन्हास को बाद अज़ वफात पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आला फौजी एजाज निशान हैदर देने का ऐलान उस वक्त के सदर जनरल याह्या खान ने किया और इस तरह वो उस एजाज को पाने वाले सबसे कम उम्र और पाक फजाइया के अब तक के वाहिद रुकन बन गए। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। आप हमें अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में भी आगाह कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, फी इमान अल्लाह।